ये जश्न है कारगिल दिवस का, ये जश्न है उस जीत का जिसने कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर दुश्मन सेना को नाकों चने चबा दिए। पूरे देश में इस वक्त मानसून अपने चरम पर है, लेकिन जवानों के हौसले भी बुलंद हैं। कारगिल के युद्ध में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए उधमपुर से 25 बाइकर्स का एक ग्रुप कारगिल युद्ध स्मारक द्रास की ओर निकल पड़ा है। इस बाइकर समूह का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी कर रहे हैं। अपनी यात्रा शुरू करने से पहले जनरल जोशी ने कहा कि मानसून की वजह से कई जगहों पर मौसम खराब है, कई जगहों पर बारिश की संभावना है, लेकिन जवानों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो हर मुश्किल परिस्थिति को पार करने के लिए तैयार हैं। एंड टुडे आई एम अंडरटेकिंग दिस मोटरसाइकिल रैली टू रिमेंबर ऑल द फॉलन हीरोज ऑफ द इंडियन आर्मी हु हैव लेड डाउन द लाइफ फॉर द नेशन। माय मैसेज टू द यूथ ऑफ द कंट्री is to look beyond the myopic material gains and commit themselves to a greater cause of the greater good of the country and the people of India. इस पूरे राइड में कुल 75 बाइकर्स शामिल हैं, जो कश्मीर के अलग अलग इलाके सुंदरबनी, नौशेरा, राजौरी, पीर की गली, कश्मीर और फिर द्रास तक जाएंगे। बाइकर्स का ये समूह कारगिल के विजय दिवस के दिन कारगिल के वॉर मेमोरियल पर पहुंचेगा। इस रैली का आयोजन जावा कंपनी और भारतीय सेना ने मिलकर किया है, जिसका नाम ध्रुवा कारगिल राइड रखा गया है। देखिए, इस साल हम 22वां सालगिरह मना रहे हैं कारगिल विजय दिवस की, और जावा क्लासिक कंपनी और इंडियन आर्मी के कोलैबोरेशन से एक कारगिल के लिए एक बाइक रैली प्लान की गई है, जिसको हमने नाम दिया है ध्रुवा कारगिल राइड। इसके अंदर उधमपुर से हमारे आर्मी कमांडर साहब खुद लीड कर रहे हैं और 25 बाइकर्स उधमपुर से द्रास के लिए आज रवाना होंगे। हालांकि कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं को देखते हुए 1999 की ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाने में कई सावधानियां भी बरती जा रही हैं। इस बार सेना की तरफ से विजय दिवस के मौके पर होने वाले समारोह में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने और सार्वजनिक आयोजन पर रोक लगा दी गई है, लेकिन सेना ने विजय दिवस को अपने तरीके से मनाने के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। इस साल के विजय दिवस में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि होंगे। बहरहाल, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, दो गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।